सिल्क की मेन पहचान क्या है, तो आप इसे एक बार जलाइए, इसकी अलग ही स्मेल आएगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये सिल्क प्योर है, 100% है। हे गाइस, मेरा नाम है साकिब और आप देख रहे हैं डी सेलर। तो आज हम विजिट करने वाले हैं रजत ट्रेडर्स और हमारे साथ हैं रवि भाई, जो कि हमें अपने फैब्रिक्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सर आपका नाम क्या है? रवि है सर। तो रवि भाई आप हमें बताएंगे कि आप हमें क्या फैब्रिक सिखाएंगे? फैब्रिक है वो सिल्क में है। अच्छा, और सिल्क 100% है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिक्स हो, जो भी मिक्स होगा वो हमारी शॉप पे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इसमें कितना परसेंट मिक्स है, क्या है, सब चीज़ बताई जाती है। जो सिल्क बता रहे हैं आप, उसे आप दिखाइए कौन सी है वो। सर एक ये है, इसे हम लाइट वेट की सिल्क कहते हैं। अच्छा, इसे क्या कहते हैं सर? लाइट वेट की सिल्क। लाइट वेट की, वैसे इसका नाम टैवी सिल्क है। टैवी सिल्क, हाँ जी सर। इसकी पहचान क्या है वैसे? इसकी सर पहचान है, इसे हल्का सा आप फ्राई करेंगे तो ये जल के एक अलग सी स्मेल आएगी। अच्छा, जो आपको वैसे पता जाएगी जैसे और सिल्क में नहीं आती, क्योंकि सूरत वालों ने समय काफ़ी वो कर रखा है तो वो सिल्क नहीं होती प्रॉपर। इसके बारे में जानना है कि सिल्क की मेन पहचान क्या है, तो आप इसे एक बार जलाइए, इसकी अलग ही स्मेल आएगी जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये सिल्क प्योर है, 100% है। और ये जलने के बाद में एक अलग सी एक राख सी बन जाती है, आप यूँ इसे राख सी जो जैसे गोला सा बनता है जी, आप यूँ करोगे एकदम राख हो जाएगी वो। अच्छा, और किसी फैब्रिक में तो वो एक कॉटन जैसा होता है, वो जलता चला जाएगा, ये जलता नहीं है। और सर तो इसकी ये लेंथ और विड्थ क्या होगी? सर इसकी विड्थ जो होगी वो 42 या 43 44 के आसपास होती है। अच्छा, और जो लेंथ होती है वो 98 की रखते हैं हम ऑल फैब्रिक की। और सर इसकी एल क्या होगी वैसे? 98 सर, एल जो है 98 है। 98 से अगर सर नीचे निकलती है तो? सर उसके लिए हम बैठे हुए हैं। अच्छा, और सर इसका रेट क्या लग जाएगा? होलसेल रेट है वो आपको 350 है, अगर इनकेस इसमें से हम काट के नहीं देते, इसका जो मिनिमम कट है वो 11 मीटर का है। अच्छा, अगर 11 से नीचे हम इसमें से काटते नहीं, बाकी और किसी फैब्रिक में होगा तो उसमें से हम कट करके दे सकते हैं। 11 से नीचे नहीं आ सकता? नहीं सर, 11 के अंडर में आपको रखना है। हाँ जी सर। अच्छा, और वैसे इसका रेट क्या बताता आपने होलसेल का? 350 सर। 350 पर मीटर? यस सर। अच्छा, हाँ जी सर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक? हाँ जी, यहाँ कॉर्नर तक। अब मैं आपका एक ये सिल्क शिफॉन आ जाएगा, ये प्योर है, ये भी सिल्क शिफॉन है। सिल्क शिफॉन है, हाँ जी। सिल्क की कोई सी पहचान है, आप फैब्रिक में फायर करेंगे। अच्छा, तो एक अलग सी जलने की स्मेक आएगी। अच्छा, ये भी मतलब सेम कंडीशन? हाँ, सेम कंडीशन, सिल्क की सबकी सेम कंडीशन होती है। अच्छा सर, इसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी? इसकी विड्थ आपकी 46 के आसपास होगी। अच्छा, और इसकी जो लेंथ है वो हम 98 ही रखते हैं। और होलसेल और रिटेल क्या प्राइस होगा? सर सेम है जो सेम आपने बताया। हाँ जी, इसमें भी होगा। हाँ जी, सिल्क शिफॉन। सिल्क शिफॉन इधर से लेकर के यहाँ तक के आपको डिजाइन प्रिंट मिल जाएंगे। यहाँ से हमारी हाबुताई सिल्क स्टार्ट है। हाबुताई? हाँ जी सर। ये कहाँ का ब्रांड है सर? सर ये चाइना का है। चाइना का है? हाँ जी। ये सर 100% प्योर है। सर ये कौन सा कपड़ा है? ये भी सर हाबुताई सिल्क है। अच्छा, तो इसमें आपका प्रिंट वगैरह जो भी है वो कुछ प्रिंट हम करवाते हैं, कुछ पीछे से जैसे सरप्लस है उसमें आ जाता है। तो ये आपकी जो इस तरह की वेरायटी है प्योर में मेरी यहाँ से स्टार्ट है। अच्छा अच्छा। और सर ये आपका ये पूरा ये जाएगा हाबुताई की यहाँ से उस कॉर्नर तक। सर यही है, उस कॉर्नर तक आपको डिजाइन मिल जाएंगे, काफी प्रिंट्स है, बहुत ज्यादा प्रिंट्स है, आप देख सकते हैं यहाँ से। सर यहाँ तक लगे, यहाँ तक एंड पूरा कॉर्नर तक आप देख सकते हैं, पूरी हाबुताई की मतलब प्रिंट आपको मिल जाएगी। सर इसके साथ साथ मैं जानना चाहूंगा कि ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की होती है या आप लेके बेचते हैं? सर ये लेके भी बेचते हैं, और अगर जैसे किसी को क्वांटिटी में ज्यादा चाहिए तो हम मैन्युफैक्चर भी कर देते हैं। उसकी जो मिनिमम जैसे प्रिंटिंग होगी तो वो 2 या 3 हज़ार मीटर हो सकती है। अच्छा, मिनिमम जो मतलब प्रिंट होगी वो 2000 या 3000 मीटर, मतलब कस्टमाइज भी करते हैं। हाँ जी सर। अच्छा, इसका लेंथ और इसका विड्थ का जरा प्राइस बताइए, हाबुताई का कौन सा? सर इसकी जो विड्थ है अच्छा वो 44 या 42 होती है। अच्छा अच्छा, हम 42 कहते हैं, कई बार कस्टमर ऐसा होता है कि वो नाप लेता है जी, तो वो 44 कहने पे वो 42 निकल जाता है, उसमें हमें ब्लेम लगता मतलब है। आप मतलब जो है जो आपके पास अवेलेबल है आप वही बताते हो? हाँ जी सर। ये चीज़ अच्छी बात है सर, ज़्यादा अगर लोग क्या करते हैं 44 का नहीं भी होता है तो 44 बताते हैं बेचते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सबसे अच्छी चीज़ मिलेगी, यहाँ पर जो इसका इंच साइज होगा वही आपको बताया जाएगा। और सर इसके बारे में आपका बताइए लेंथ? इसकी जो विड्थ है वो आपकी 42 से 44 होगी। अच्छा, और इसके प्राइस आपको 450 पर मीटर पड़ेंगे अगर होलसेल के रेट में। होलसेल सर। और इसका रिटेल का क्या रेट होगा? रिटेल सर अगर आप 1-2 मीटर लेते हो तो वो आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। सैंपल्स के तरीके? यस सर। अच्छा, ये सिल्क जॉर्जेट है? हाँ जी सर। इसकी भी वही सेम कंडीशन होगी, वही फायर वाला हिसाब होगा इसका भी? सिल्क का एक्स वाई जेड जो भी आपको ब्लेंड देखोगे वो सब में सेम कंडीशन है। अच्छा, कि आप फायर करोगे तो एक अलग सी महक आएगी उसमें। और आपने बताया था कि एक आग सी मतलब अलग सी निकलती है, उसका जो राख होता है? राख अलग सी नहीं, जितनी देर आप फायर के नीचे रखोगे उतनी आपको
चलेगा वो, और जैसे आप फायर हटाओगे तो वो वैसे ही बंद हो जाएगा। अच्छा, तो ये साहब मतलब इसकी पहचान इसकी है? हाँ जी सर। कोई और पहचान नहीं, सिर्फ यही एक पहचान है सर? एक तो ये है, दूसरा ये किसी भी, जैसे अब मैंने आपको सपोज करो सिल्क जॉर्जेट दिखा रहा हूँ, आप पॉली सिल्क या कोई और सिल्क लोगे तो वेट का फर्क है। अच्छा, थोड़ा हैवी ज्यादा हाँ, कम ज्यादा हो जाएगा। हाँ, जो सिल्क होगा वो थोड़ा लाइट वेट होगा, और जो वैसा कोई जो मिक्स होगा जो मिक्स है उसका वेट अलग हो जाएगा, थोड़ा वेट ज्यादा हो जाएगा। हाँ जी सर। सिल्क की अगर पहचान करनी है तो सबसे पहले आपको एक आग वाली पहचान रखनी है कि उसको आप जलाओगे, वो आग से आप हटाओगे तो वो वैसे ही बंद हो जाएगा। और दूसरी पहचान ये है कि जो कपड़े में मिक्स होगा तो उसका वेट भारी रहेगा, और जो सिल्क का जो मतलब वेट होगा वो हल्का ही रहेगा। ये दो चीज़ की हमें पहचान पता लगी है जो सर ने हमें बताई है। ये सारी सिल्क जॉर्जेट है? ये भी सिल्क जॉर्जेट है सर। इसका कपड़ा कौन सा बताया आपने? सिल्क जॉर्जेट का? सिल्क जॉर्जेट सर, 100% प्योर। ये सिल्क जॉर्जेट 100%। देखिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी काम वैसा होता है जो आपको बता रहे कुछ है और बेच रहे कुछ है। जो यहाँ पर रहेगा वही आपको रेट भी बताया जाएगा, और जो बेस्ट क्वालिटी होगी वही आपको बताई जाएगी। यस सर। और सर दूसरा भाई, इसका जो विड्थ है वो आपकी वही नॉर्मल 42-44 आएगी, और इसके प्राइस आपको 400 रुपीज़ पर मीटर लगेंगे होलसेल में। हाँ जी सर। और रिटेल में तो वही 5 मीटर के हिसाब सर। हमारा जो मिनिमम कट है वो 5 है, 5 से आप नीचे गए तो आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड कोई सा भी सिल्क का फैब्रिक में। ठीक है, इसकी विड्थ वही आपकी 42 और एल सबकी 98 है। दूसरा आपका हमारा ये फैब्रिक है, ये आपका सिल्क क्रेप है। सिल्क क्रेप? हाँ जी। इसका कोई कपड़ा देखिए सर, ये है सिल्क क्रेप का कपड़ा। सर इसकी थोड़ी पहचान बताइए आप, सिल्क क्रेप की कपड़े की पहचान क्या, खासियत क्या है इसकी? सर इसमें आप देखोगे तो हल्की हल्की एक रिंकल सी आ रही है, जैसे कि आपको दिख रही होगी, हल्की हल्की बहुत रिंकल है। और सर, और इसका मतलब खासियत क्या है इस कपड़े की, मतलब किस लिए, मतलब ये कपड़ा किस पर्पस के काम आता है, गर्मी के लिए, ठंडी के लिए? नहीं नहीं सर, ये सारा विंटर के लिए आता है, समर के लिए कोई सा भी नहीं आता। विंटर के लिए काम आता है। सिल्क का जो भी फैब्रिक होगा वो आप विंटर में यूज कर सकते हो, समर में नहीं कर सकते। और सर सिल्क की जो फैब्रिक्स होती है इसमें बनता क्या क्या है? सर ये तो ड्रेसेस है, लेडीज ड्रेसेस, मतलब ड्रेसेस में क्या क्या बन जाता है? ये आपकी कुर्ती सर, ये आपका कुर्ती बन जाएगी, ये एक गाउन टाइप का ड्रेस बन जाएगा, इस तरह के अलग अलग जैसे मतलब आप डिजाइन करोगे हाँ, आप उसमें मतलब यूज हाँ, कर सकते हो। अच्छा सर, इसके बारे में मतलब बताइए कि इसकी लेंथ विड्थ? सर इसकी विड्थ तो वही है आपकी 42-44, और लेंथ भी इसकी 98 की है। इसकी प्राइस आपको 550 रुपये पर मीटर बैठेगा। 550 रुपये पर मीटर? यस सर। और इसका रिटेल का तो वही है, 5 मीटर से नीचे लोगे तो वही 100 रुपये आपको बढ़ जाएगा। हाँ जी। अच्छा, और इसकी जो वैरायटी है मेरे पे वो यहाँ से स्टार्ट है और ये पूरा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वैरायटीज आपको कम नहीं मिलेगी, जो भी मिलेगा आपको इतना मिलेगा कि आपको खुद देख कर ये मजा आएगा कि आपको और लेना चाहिए, आप नेक्स्ट टाइम भी इनकी शॉप विजिट करोगे, और फिर जब एक बार आप इनकी फैब्रिक्स देख के जाओगे तो आपको दोबारा यहाँ पर आने का मन करेगा। तो आपको इधर इतनी टेंशन नहीं होगी कि यहाँ पर एक जैसा ही माल आपको मिल रहा है, हर दिन इनकी वैरायटीज चेंज होती रहती है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की इनकी वैरायटीज है और इनकी अपडेट होती है। तो सर मेरा नाम साकिब है, आपका नाम? रजत। तो रजत जी, आपकी शॉप का नाम क्या है? रजत ट्रेडर्स। सर ये आपकी शॉप का एड्रेस क्या होगा? 100/3432 लेन 1 रघुपुरा नंबर 2, ये गांधीनगर शांति मोहल्ला के अंदर है, 9 नंबर गली के सामने। और सर आपका कोई कांटेक्ट नंबर होगा जिसकी वजह से कोई कस्टमर अगर जैसे भटक जाता है तो उसको विजिट करने में इजी हो जाए, आपको कांटेक्ट कर ले डायरेक्ट? कांटेक्ट नंबर मैं इस वीडियो के एंड में टाइप करवा कर दे दूंगा क्योंकि ऑडियो में शायद क्लियर ना आए। सर आप कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं? अभी तो नहीं है, बट वी आर प्लानिंग कि जल्द से जल्द ई कॉमर्स पे भी आए क्योंकि इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सर आप हमारे कैमरे की तरफ देख कर बोल सकते हैं कि हाँ मैं भी डिजिटल सेलर बनूंगा? हाँ मैं भी डिजिटल सेलर बनूंगा।